हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मसाला रोल्स। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं फेमस रेसिपीज जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही टेस्टी और आसानी से बनने वाली डिश थुक्पा। थुक्पा एक नूडल सूप है जिसका ओरिजिन तिब्बत के ईस्टर्न पार्ट में माना जाता है। पर यह डिश भारत के सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख में अलग अलग नामों से बनाई जाती है। सर्दियों के लिए यह वन पॉट डिश बिल्कुल परफेक्ट है और बच्चों को सब्जियां खिलाने का ये एक बेस्ट तरीका है। इसमें यूज किए गए इंग्रेडिएंट्स आपके स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बनाना वेज थुक्पा। सबसे पहले हम थुक्पा के लिए नूडल्स तैयार करेंगे। आप कोई भी पैकेट वाले नूडल्स ले सकते हैं। मोस्टली इन पैकेट्स पर पकाने का टाइम दिया हुआ होता है। जो नूडल्स हमने लिए हैं उन्हें हम 5 मिनट पानी में उबालेंगे। एक बड़े पैन या कढ़ाई में 1.5 लीटर पानी लें और उसमें 2 छोटे चम्मच नमक डाल दें। पानी में उबाल आते ही 175 ग्राम प्लेन नूडल्स डाल दें। नूडल्स के थोड़ा सॉफ्ट होते ही इन्हें पूरा पानी में डुबा दें। अब कढ़ाई को ढककर उबाल आने दें। पांच मिनट के बाद चेक कर लें, नूडल्स को उंगली से दबाने पर वह इस तरह से टूट जाएंगे। अभी नूडल्स को हम आंच से उतार लेंगे और एक छन्नी में डालकर ठंडे पानी से अच्छे से धो लेंगे। हमें इन्हें बिल्कुल ठंडा होने तक धोना है ताकि इनका सारा स्टार्च निकल जाए और ये आपस में चिपके नहीं। नूडल्स को अच्छे से धोने के बाद उनमें एक बड़ा चम्मच तेल डालकर मिला लें। ध्यान रखें कि तेल सारे नूडल्स पर लग जाए। नूडल्स को साइड में रख दें और अब हम थुक्पा का सूप बनाएंगे। एक पैन या कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर रखें, उसमें एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डालें। तेल के गर्म होते ही 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काटकर डालें। अदरक को थोड़ा सौते करें। और उसमें एक मीडियम साइज प्याज साइज करके डाल दें। अब पैन में एक गाजर के जूलियंस, आधा कप ग्रीन बीन्स, एक कप कटी हुई बंद गोभी,
दो कटी हुई शिमला मिर्च, एक बारीक कटी हरी मिर्च, एक छोटा चम्मच धनिया के डंठल, स्वाद अनुसार नमक, और आधा छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डालकर मिला लें। अब पैन में एक बारीक कटा हुआ टमाटर डालें। और थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर सारी सब्जियों को थोड़ा सा पका लें। सब्जियों को ज्यादा ना पकाएं। We need little crunch in them। सब्जियों के थोड़ा नरम होते ही उनमें 750 मिलीलीटर वेज स्टॉक डाल दें। स्टॉक की जगह आप सादा पानी भी डाल सकते हैं। पैन में एक छोटा चम्मच डार्क सोया सॉस और एक छोटा चम्मच व्हाइट विनेगर डालकर मिला लें। पैन को ढककर उबाल आने तक पकाएं। पैन में उबाल आते ही दो ग्लास पानी डालें। इस सूप को थोड़ा पतला ही रखेंगे, बाद में नूडल्स मिलाने से इस सूप थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। पैन को उबाल आने तक ढक दें और लगभग 5 मिनट तक पकाएं। उत्पा के लिए सूप रेडी है। आइए देखें इसे कैसे सर्व करें। एक सूप बाउल लें और उसमें थोड़े नूडल्स डालें। इनके ऊपर थोड़ी सब्जियां और सूप डालें। थोड़े बारीक कटे हरे धनिया के पत्तों से गार्निश करें और गर्मा गर्म परोसें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इफ यू लाइक दिस रेसिपी please comment and share the video. For more such interesting recipes, please subscribe to our channel. Thank you for watching.